नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। समाजवादी पार्टी की एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कौल का पर्चा रद्द होने से बौखलाए अखिलेश यादव अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा ने एक बड़ा बयान देते हुए एक बड़ा आरोप लगाया है कि क्या कुछ कहा रवि मल्होत्रा ने, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव को लेकर सपा ने बड़ी चाल चलते हुए संख्या ना बल होने के बावजूद आदिवासी चेहरे कीर्ति कौल को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सपा को बड़ा झटका तब लगा जब उम्र कम होने की वजह से कीर्ति कौल का पर्चा रद्द कर दिया गया। एमएलसी चुनाव के लिए कीर्ति कौल का पर्चा खारिज होने के बाद बुधवार को अखिलेश यादव ने कीर्ति के प्रस्ताव विधायक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विधायक रविदास ने कहा कि फॉर्म भरने वाले से बड़ी गलती हुई है जिसका खामियाना उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। रविदास ने कहा कि पर्चा खारिज होने से हम सभी को बहुत दुख है। पर्चा भरने वाले व्यक्ति पर रविदास मल्होत्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस वकील ने पर्चा भर उसकी उम्र गलत लिखी थी, उन्होंने कहा कि अनुभव वाले व्यक्ति से ही पर्चा भरवाना चाहिए था, अनुभवहीन व्यक्ति से पर्चा भरने में गलती हुई। आगे रविदास ने कहा कि मुझे जहां हस्ताक्षर करने को कहा मैंने वहां कर दिया, पूरा फॉर्म सीनियर विधायकों तक नहीं पहुंचा और न ही वो पढ़ पाए। पार्टी के विधायकों को बचाव करते हुए रविदास मल्होत्रा ने कहा कि पूरे मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या फिर विधायकों की कोई गलती नहीं है। सपा नेता रामगोपाल यादव की मुख्यमंत्री से मुलाकात पर रविदास मल्होत्रा ने कहा कि हम लोग समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहते हैं, ये एक सामान्य मुलाकात थी। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बागी तेवर पर बोलते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता में लालची है, वो सत्ता के लिए सारा गेम प्लान कर रही है, वो ये सब एसी में रहने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसी वाली गाड़ी लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर सब प्लान कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा चाहिए और मंत्री बनना है, इसलिए वह ये सब कर रहे हैं। रविदास मल्होत्रा ने ओम प्रकाश राजभर को मिली सुरक्षा पर तंजा मारते हुए कहा कि मैं खुद पूर्व मंत्री और विधायक हूं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जबकि ओम प्रकाश राजभर के पास 22-22 लोग सिक्योरिटी में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के खिलाफ जो बोलता है उसको भारतीय जनता पार्टी उपहार देती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे तर्क हालांकि हजम होने लायक नहीं है कि वकील को उनकी उम्र के बारे में ही नहीं पता था। क्या इतने विधायक नेताओं को भी याद नहीं रहा कि आखिर क्राइटेरिया होता क्या है? एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन करने से पहले आखिर उन्होंने ये चेक नहीं किया था क्या? इससे तो एक ही बात साफ होती है कि बीजेपी को निशाना बनाने की मंशा से समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कौल को उम्मीदवार बनाया था। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।